Choppy. Good morning, everyone. Good morning. को बनाया गोल स्टेप बाई स्टेप वह आगे बढ़ते चलेगा। जो उन्हें दुकान से प्रॉफिट होता वो उसी दुकान में लगा देंगे। इस कारण वो आज इस मुकाम पर पहुंच सके। थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल मिस सचिन टू कम फॉरवर्ड एंड स्टिक ऑन द टॉपिक। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कि आपकी ऐसी कौन सी खासियत है जिससे आप मार्केट में अभी तक टिके हुए हैं और आप इतने फेमस हैं। तो उनका जवाब था कि उनका व्यवहार, जो ग्राहक आते हैं उनसे व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से बात करते हैं और एक सही रेट पर वो सामान लोगों को देते हैं। और वहाँ उनकी दुकान पर सारा सामान मिलता है, थोक का भी सारा सामान मिलता है और ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पर मिल जाती हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रोहित कुमार कम फॉरवर्ड एंड स्पीक ऑन द कॉल। थैंक यू मैं सचिन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माई क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक दुकानदार के पास गया और उनसे पूछा, भाई तुम्हें दुकान खोलने में क्या क्या मुश्किलें आई और किस किस ने आपकी मदद की। उसने बताया कि मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि आप दुकान खोलो, तो मैंने दुकान खोलने के लिए बैंक से लोन ले ली। उसके बाद मैंने दुकान खोलने के लिए जगह खोल ली, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ दुकान क्यों खोल रहे हो, ना बिक्री कम होगी और तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे दुकान खोलनी है, तो मैंने सभी की वहाँ के सभी आसपास के सभी के लोगों की बातें सुनी, पर मैंने अपने मन की बात मानी। फिर मैंने वहाँ दुकान खोल ली है। एक महीने तक मेरी दुकान चली नहीं चली ऐसा था। फिर उसके बाद मैं काफ़ी उसके बाद मैं पॉपुलर हो गया। उसके बाद मेरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर पंकज कुमार कम टू फॉरवर्ड एंड स्पीक ऑन द टॉपिक। Thank you, Mr. Rohit Kumar, for giving me this opportunity. My question: मैं मार्केट में कपड़े की दुकान पर गया था। वहाँ एक कपड़े की दुकान में एक अंकल बैठे हुए थे। मैंने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी आप मेरे लिए कुछ समय दे सकते हो। उन्होंने बोला क्या पूछना है, कहाँ से आए हो। मैंने कि मैं टाटा स्टाफ से पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से कोर्स कर रहा हूँ। सर ने हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। मैं दुकानदार ने कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने कि आपके दुकान में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप सबसे अच्छा है। अंकल ने बोला कि मेरा सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जींस पैंट और शर्ट ज्यादा चलते हैं। मैंने कि यही क्यों ज्यादा चलते हैं, और भी सामान तो है। उन्होंने बोला आज की डेट में लोग ज्यादातर जींस और शर्ट ज्यादा पहनते हैं, तो ये ज्यादा बचता है और इसमें हमें लाभ भी होता है और ज्यादा हमें बचत भी होती है। तो ये इस तरीके से हमें ये ज्यादा बचता है हमारा प्रोजेक्ट। मैंने कि थैंक यू अंकल। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रवि कुमार कम टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक ऑन द टॉपिक। Thank you, Mr. Pankaj Kumar, for giving me this opportunity. My question is, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक दुकानदार के पास गया था। मैंने कहा भाई साहब आने वाले 5 सालों में अपनी दुकान को कैसा देखना चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं आने वाले 5 सालों में अपनी दुकान को और बेहतरीन देखना चाहता हूँ। जैसे अधिक से अधिक प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ जिससे कस्टमर की मात्रा अधिक हो और मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जिसकी वजह से मेरे मुझे ज़्यादा इनकम हो और मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकता हूँ। थैंक यू। I would like to call Meera Singh to come forward and speak on the topic. Thank you, Mr. Rithu Kumar, for giving me this opportunity. My question is, मेरा क्वेश्चन है, एक हम महिला के पास गए जो कंचनी की दुकान चला रही थी। हमने उनसे बात की और उनके बारे में जानना पूछा। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मतलब आप अपने आप को कैसे अलग दुकानदार और दुकानदारों से आप अलग क्यों फील करते हैं, आप अलग हो कुछ तो ऐसी खासियत होगी। तो उन्होंने कहा कि
जाइए तो करना।